डॉक्टर की रिपोर्ट पर मजदूर पर हुआ केस दर्ज। विगत दिनों जिला चिकित्सालय से मजदूर और डॉक्टर के बीच हुई झगड़े ने फिर तूल पकड़ लिया है, जहां जिला चिकित्सालय में पदस्थ जीके गोयल के शिकायती आवेदन पर कोतवाली थाना पुलिस ने मजदूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जहां शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ डॉक्टर को पीटने का आरोप है। वहीं डॉक्टर जीके गोयल ने पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में बताया है कि मैंने आंखों की ओटी की पुताई को लेकर मजदूरों को बोला कि पहले ओटी की पुताई कर दो, ताकि मरीजों के परीक्षण के साथ ही मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया जा सके। इसी बात पर मजदूर गिरिराज वेरवा गुस्सा दिखाने लगा। उसने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए मेरे साथ गाली गलौज करते हुए लात घूसों से मारपीट कर दी। अस्पताल कर्मचारियों ने मुझे बचाया, जहां कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर की रिपोर्ट पर मजदूर गिरिराज वेरवा के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में व्यवधान की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया है। वहीं एफआईआर कराने के बाद डॉक्टर डी के गोयल ने कोतवाली टीआई को आवेदन सौंप कर मजदूर को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। वहीं आईएम के बैनर तले डॉक्टरों ने मारपीट करने वाले मजदूर गिरिराज वेरवा को 24 घंटे में गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए गिरफ्तारी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या मामला है जिला चिकित्सालय में, क्या मामला हुआ? जिला चिकित्सालय में मैं एज ए आईस स्पेशलिस्ट होस्टिंग है मेरी। जिला अस्पताल के नेत्र ओटी में एक दिन जो ऑपरेशन पहले रखे गए थे, क्योंकि नेत्र पखवाड़ा चल रहा था, नेत्र भीख चल रहा था, तो सिविल सर्जन ने एक दिन पहले ही मेरे को बोला था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऑपरेशन आपको करना है, इसलिए कलर और पुट्टी इसमें एक दिन पहले करवा लें। तो मैंने जब ठेकेदार से मजदूरों से बोला कि आपसे विनम्र निवेदन है कि गरीब मरीजों के ऑपरेशन होने हैं, उसमें पुट्टी और कलर आप कर दें, तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लातों गुस्से से मारा व मेरे पैर पर चाकू से वार किया। इससे शिकायत मैंने पुलिस को की। गिरिराज नाम का आदमी था वो, गिरिराज वैरवा से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं अस्पताल का काम कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने प्रशासन को 24 घंटे का टाइम दिया है कि गिरिराज वैरवा को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो क्या ये हड़ताल होगी जो पूरे प्रदेश में होगी या श्योपुर जिले में ही होगी? ये पूरे प्रदेश में होगी। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? डॉक्टर जीके गोयल और एक मजदूर के बीच जिला चिकित्सालय में झगड़े का मामला सामने आया, क्या मामला है? मजदूरों के द्वारा डॉक्टर जीके गोयल के साथ मारपीट और झगड़े का मामला मेरे संज्ञान में आया है। तो डॉक्टर जीके गोयल के द्वारा भी पुलिस को आवेदन दिया गया था, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा और अन्य धाराओं के अंतर्गत एफआईआर हो चुकी है। डॉक्टर्स भी बार बार अपनी बात रखते हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी मेरे पास फोन आया, उनका भी ये कहना है अगर डॉक्टर जी के गोयल को न्याय नहीं मिला तो हम 24 घंटे के बाद सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएँ। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर डॉक्टर जी के गोयल के साथ मारपीट करने वाले मजदूर को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो डॉक्टर साहब हड़ताल पर जा सकते हैं? हाँ, डॉक्टर का ऐसा कहना है, पर मैं अभी सभी को समझा रहा हूँ कि काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहे,